है वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग आए हैं कानपुर के बोट क्लब में और आप उसमें आनंद लीजिए। देखिए ये एक हट फोटो खिंचानी है क्या? अरे चलिए वो नहीं खिंचाएगा। ये कानपुर का बोट क्लब। बैक साइड में उधर से भी आएगा दीदी, उधर से भी लिखा है। इधर फ्रंट पे भी लिखा है। ये देखो कानपुर बोट क्लब। चलो हम लोग चलते हैं। ये रहा कानपुर का बोट क्लब, आप लोग जरूर से जरूर उसको आए विजिट करने हैं। हम लोग चलते हैं। हम कितना सुंदर बनाया हुआ है देखिए, आस पास जंगल भी रखा है, पूरा चिड़ियाघर का लुक दिया है बोट क्लब को। ये देखिए ये रोड है, ये साथ में जानवर भी जा रहे हैं। ये पली हुई है गाय लग रहा है ना, वो वीआईपी गेट है। हाँ मैं लग ही रहा था वीआईपी गेट है। कि हम जल्दी लेकिन आगे करेंगे नहीं, आप उधर जाइए फिर आपको लौटना पड़ेगा। हाँ क्योंकि एक ही छोटा सा गेट खोल रखा है उन्होंने बस। गऊ माता, इनमें से कोई गऊ माता मार तो नहीं देंगी, देख के तो डर लगे। ज्यादा भागे रहे इसलिए बांधा है उन्होंने। देखो आगे चलते रहो बस, हम तो लाल पहने हमें को कहीं ना पीट दें। जय हो गैया मैया की। अभी नया खुला ना तो ज्यादा भी वो है नहीं लोगों को। हाँ मैं इसके से, अरे यहाँ देखना नए साल में कितनी भीड़ होगी यहाँ। अभी दीदी ये अभी नया खुला है ना, अभी ओपनिंग थी कहाँ, अभी हुई है कुछ दिन पहले, न्यू ईयर में देखिएगा। हाँ आप उसका वीडियो मत बनाइए। क्यों मैं ना करूँगी? मैं क्यों बनाऊंगी? आप बनाना ना, मैं बनाऊंगी बोट क्लब का। अब क्या बनाओगी? तो बोट क्लब तो पीछे हो गया, अब क्या बनाओगी? पहले बनाना चाहिए था उनको मिला कर एक वीडियो। तो वो वीडियो हमें नहीं चाहिए, हम उसके लिए बना रहे हैं अपने लिए। नहीं नहीं मैं तो बना रही हूं, ये मेरे ब्लॉग में जाएगा। मैं तो उसके लिए बना रही हूं जैसे वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें डांस करना, तुम्हारा वीडियो शूट करेंगे। वो वीआईपी गेट है, वीआईपी लोगों के लिए भैया, आम जनता के लिए उधर करना थोड़ा। हाँ आम जनता के लिए ये है। मेरे बाबू कोल्ड हो गया है ना, ये डंडा क्यों ले लिया? अरे गाय को, तो गाय तो पीछे हो गई। हाँ गाय आ रही है, वो तो इतनी दूर है तो उसको मारने के लिए तुम ये डंडे पहले से लेके चल रहे। वाह किसको डंडा मारोगे? काऊ को। काऊ तो बहुत पीछे है, बेकार में तुमने अभी से सब फिर दो गंदा है। डेंजर एरिया, पता नहीं क्या है इधर डेंजर एरिया। अरे बेटो उधर मत जाओ, देखने तो पड़ेगा क्या डेंजर। अरे कुछ भी डेंजर हो चलो, लेट्स गो। कहाँ चलना है अब तुमको? अटल घाट में क्या देखोगे? पानी तो पानी, स्विमिंग कर लेंगे। चलो अरे यार थोड़ी देर हम चलो वहाँ ले ले। ये देखिए अमरूद कितने सारे लगे हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, सब हम लोग कैमरे की दृष्टि में हैं। पता चला यहाँ के प्रशासन आके हम लोगों को डांटे, कितने सारे अमरूद लगे हैं, बहुत मन हो रहा खाने का। ये देखिए लुक वाइज बहुत अच्छा बनाया है बोट क्लब, थोड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं।
और ये मेरी बेटू दिल्ली से आई हैं स्पेशली बोट क्लब घूमने। क्यों बेटू? सोच रहे थे कि ये वाले शूज ना पहने। सभी लोग जा रहे हैं। टाइमिंग मामा यही है ना, तो देखो भीड़ बढ़ रही है ना। सभी लोग नहीं जा रहे हैं, बोला हम लोग निकल रहे हैं। नहीं, ये सब लोग जो जा रहे हैं टाइमिंग यही है, मैं लग रहा है ना। देखो ये सब बोट करेंगे जाके, और क्या करेंगे, दस ज्यादा तो टिकट लेगी तो बोटिंग ही करेंगे। बहुत थक गए चल के। सिंघाड़े सूख रहे हैं, इसको सुखा के बाद में इसी का आटा बना के मार्केट में बेचा जाएगा। ये देख कितना सारा सिंघाड़ा। ये टिकट घर है, यहाँ से टिकट की एंट्री हो। हम लोग बोट क्लब से बाहर जा रहे हैं अब। ये मेन रोड है, मेन रोड से मेरी बेटू, मेरा बेटा, ये मेन रोड है, इधर चलते हैं। ये है उधर चलते, उधर ही मिलेगा ये रिक्शा। ये गंगा बैराज पे कानपुर सेंट्रल के तरह ही एक स्टेशन बनाया गया है, उसी की तर्ज पे ये परिवर्तन सेंट्रल का नाम दिया गया है। ये देखिए परिवर्तन सेंट्रल, वही तो शॉर्टेज में आया था, हमने कहा कि मामी को लोग बात तो कर ही लें। मेरी फैमिली सेंट्रल के तरीके से बना दिया परिवर्तन सेंट्रल, पूछताछ टिकट इंक्वायरी प्लेटफॉर्म सब दे दिया है। कानपुर की शान है गंगा बैराज। उधर ही चलिए, उधर ही रिक्शा कहीं मिलेगा रास्ते में। बस जा रही स्कूल की बस। बाइक किससे कर रही है? पिकनिक गई थी मैं लग रहा, बस हमें लग रहा पिकनिक गई थी। लवकुश बैराज सिंचाई विभाग कानपुर, गंगा बैराज। हम लोग ऑटो कर रहे हैं जाने के लिए घर, गंगा बैराज। हम लोग घर जाने वाले हैं। एक मिनट बेटा खड़े हो, कह दो बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हाँ बाय बाय।